राम राम भाई, सारा भाई है ना। मैं आपका भाई कुणाल यादव लेकर आ चुके हैं फिर से एक और रिव्यू। हैरियर का आपने रिव्यू देखा था जेट एडिशन का, तो आज लेकर आ चुके हैं जेट एडिशन नेक्सोन का। तो फिर से बता देता हूँ भाई, जेट एडिशन जो टाटा ने लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल मिलेगा आपने। उसमें कोई भी मिड वेरियंट, बेस वेरियंट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको टॉप ही लेना पड़ेगा अगर जेट एडिशन लेना है तो। बात कर लेते हैं भाई नेक्सोन की फ्रंट से। तो फ्रंट में देखो भाई, जो इसकी ग्रिल है पूरी कवर्ड दी गई है ग्लोसी ब्लैक कलर से, फुली कवर्ड है, मतलब कोई इसमें छेद वगैरह नहीं है अंदर की तरफ जो आर पार हो। नीचे की तरफ एक ये दो लाइन जाती है बस, अंदर की तरफ रेडिएटर ग्रिल होगी। नीचे की तरफ आते हैं तो ये मतलब यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी तो ये चीज़ तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट दिया है ना भाई, ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है देखने में। अंदर की तरफ रेडिएटर ग्रिल का ये साइड में ये बॉर्डर सा हो गया, इस साइड ये चीज़ होगी तो ये दिख रही है ना मतलब, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अजीब लगती है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है भाई। फिर से हैरियर की तरह ही यहाँ पे जो है रफ पेंट यूज़ कर रखा है, मतलब देखने में तो अच्छा है, सिल्वर कलर में है। वैसे थोड़ा सा सरफेस इसके मुकाबले इसका रफ रखा गया है। ये देखो जाली अगर मतलब थोड़ी सी भी इस पर मान लो थोड़ी सी भी इस पर टक्कर सी लग गई तो ये हाड़ी की है, मतलब थोड़ी सी प्लास्टिक टूट सकती है। साइड में आ जाते हैं भाई, ये होगी इसकी हेडलाइट्स। प्रोजेक्टर सेटअप इसमें देखने को मिलता है। साइड में देखते हैं लो बीम तो नॉर्मल बल्ब देखने को मिल जाता है। डीआरएल की बात करते हैं तो ये इसकी डीआरएल प्लस इंडिकेटर, मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये डीआरएल हो गई और ये होगी नीचे की तरफ। और नीचे आते हैं तो भाई ये हो गया इसका फोग लैंप, सिल्वर कलर का इस्तेमाल। बाकी ये जो मटेरियल है सारा ग्लोसी ब्लैक में नहीं है, नॉर्मल है। और साइड में आ जाते हैं भाई, लाइट्स के साइड में देखते हैं तो ये देखो भाई, यहाँ पे आता है नेक्सोन का लोगो बैजिंग ग्लोसी ब्लैक कलर के ऊपर। और फिर आ जाते हैं इसके आगे थोड़ी सी आगे, यहाँ पे आ गया जेट एडिशन ग्लोसी ब्लैक कलर में साइड मिरर ORVM जिनको हम बोलते हैं, LED लाइट्स के साथ। अब बात करते हैं भाई इसके अलॉय व्हील्स की। तो अलॉय व्हील भाई काफ़ी मतलब गाड़ी के हिसाब से देखते हैं तो बड़े बड़े देखने को लग रहे हैं भाई, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि है ये R16, जो चौड़ाई है ना इनकी 215 और ये होगी 60, तो देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। फिर से जो इनका कलर नाम दिया गया है वो दिया गया है जेट अलॉय, तो जेट अलॉय जो है इनका नाम दिया गया है। अब देखो भाई इसकी साइड प्रोफाइल, ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर बटन के साथ आती है। यहाँ पे कोई क्रोम नहीं है, कोई भी ग्लोसी ब्लैक कलर का ये इस्तेमाल नहीं है। ग्लोसी हो जाता तो थोड़ा और मतलब अच्छा लगता देखने में। बाकी कुल मिला के ओके लग रही है। यहाँ पे बात करते तो ये भी ग्लोसी ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है भाई। पीछे की तरफ आते हैं, कोई भी इसमें पीछे की तरफ मिरर नहीं है, जो कि बहुत सारे अपने टाटा के जो ओनर है उनकी शिकायत रहती है कि भाई नेक्सोन में यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक मिरर रहता है तो वो बोलते हैं कि भाई ये मिरर होना चाहिए। और प्लस पॉइंट दूसरी चीज़, जो इसका जो ए पिलर है इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा बताते हैं अंदर की तरफ, वो जब यू टर्न लेते हैं तो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब करता है विजिबिलिटी को। पीछे की तरफ आ गए हैं भाई, ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोगर, वाइपर, वॉशर की बात करते हैं तो वॉशर इसमें नहीं दिख रहा भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, बाकी होना तो चाहिए। ये देखो भाई यहाँ पे वॉशर है इसका, तो टाटा ने काफ़ी दिमाग लगा रखा है, दिखता नहीं है, बाकी ओके है। ऊपर की तरफ आ गया शार्क फैन एंटीना। और भाई पीछे की तरफ ये हो गया रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो ग्लोसी ब्लैक कलर में ये इस्तेमाल कर रखा है। नेक्सोन की बैजिंग सेम जैसी अपनी हैरियर में दे रखी है। बाकी भाई ये देखो बटन यहाँ पे भी दे रखा है, मैंने लॉक कर दी। ये देखो भाई, तो ये चीज होगी। अब ये बीप करने लग जाती है भाई अनलॉक करती है, इसका क्या सेंस बना यार, हमने ही अनलॉक करी है, शोर मचाती है। फिर अनलॉक का बटन दबा कर आप इसको बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई नेक्सोन में टाटा ने कवरिंग दे दिया, टिगोर में ये चीज़ हम मिस करते थे लेकिन इसमें जो है दे रखी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। बेशक भाई इसने हार्ड प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक नहीं दिया हो लेकिन फिर भी कवरिंग दे रखी है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो 350 लीटर का इसमें भाई बूट स्पेस देखने को मिलता है, प्लस टायर मोबिलिटी किट जो टाटा अपनी हर गाड़ियों में देती है हवा भरने के लिए भाई। और इसमें एक लिक्विड आता है ताकि आपकी पिंचर हो जाए तो आप इसमें इंसर्ट कर दो, फिर आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा चलेगी, हवा नहीं निकलेगी। स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो 195/60 R16, जो इसकी चौड़ाई है ये कम कर दी गई है भाई, 195 कर दी। बाकी स्टील रिम देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं भाई अब बंद। नीचे की तरफ आते हैं तो ये हो गया रिफ्लेक्टर, कोई इनमें लाइट वगैरह नहीं है भाई। ऊपर की तरफ ये होगी इसकी LED लाइट, ब्रेक लाइट जो आप बोल सकते हो।
तो भाई ये जो है पेट्रोल वेरिएंट आप देख रहे हो, दो वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, दो ऑप्शन। एक तो मिलेगा 1.2 लीटर टर्बोचार्ज और एक मिलेगा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.2 लीटर जो कि पावर निकालता है 120 bhp की और 170 या 180 nm का आसपास टॉर्क निकालता है पेट्रोल इंजन। अंदर चलते हैं भाई, अंदर देखते हैं क्या कुछ इसमें मेन फीचर दिए गए हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं डोर से, इसको आप नोटिस मत करना भाई, ये जो धूल वगैरह लग रही है ये देखो, मिट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ साफ हो जाएगी जब इसका डिलीवरी का टाइम आएगा। तो ये देखो भाई, डोर पैनल, चारों पावर विंडो, शीशे लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे पूरा गोल्ड का इस्तेमाल कर रखा है, ये गोल्ड कलर का, तो जेट एडिशन की थीम ही यही बनाई है, मतलब गोल्ड टाइप में। नीचे की तरफ आ जाते हैं भाई, अम्ब्रेला होल्डर नेक्सोन में भी देखने को मिलता है, बोतल होल्डर यहाँ पे हो गया, कोई इसमें बैजिंग नहीं है, जैसे टाटा क्लिक के देती है ना भाई 500 ml 1 लीटर, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सामान आप रख सकते हो। और इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर है लेकिन लाइट नहीं है हैरियर की तरह। तो सीट्स की बात करते हैं भाई, वेंटिलेटेड सीट्स आपको नेक्सोन में देखने को मिल रही है भाई, ये देख लो, इस सेगमेंट की गाड़ी में मतलब ये ज़्यादा तो नहीं, अब तो आने लग गई, बाकी इसमें भी जो है वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती है वाइट कलर में, सेम जो हैरियर मारी है देखो भाई। तो प्रीमियमनेस यहीं से आपको नोटिस हो जाएगी, यहाँ पे देखो जेट की बैचिंग होगी सीट के ऊपर, सीट बाकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, हाइट एडजस्टेबल सीट होगी, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो भाई कितनी गंदी हो रही है ना, ये बारिश की वजह से दो तीन दिन लगातार बारिश आई थी, तो ऐसी हो जाती है भाई गाड़ी आपकी स्टॉक यार्ड में, शोरूम में जाते जाते चमकती है फिर ये। ये लो भाई आ चुके हैं अंदर, बीच में टाटा का लोगो, वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कंट्रोल, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए, इस साइड अपने क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन हो गया। बाकी यहाँ देखते हैं तो लाइट्स के कंट्रोल, इस साइड वाइपर्स के कंट्रोल, इसको कर देते हैं भाई लॉक हाल फिलहाल। हारमन का इसमें स्पीकर देखने को मिलता है भाई, टोटल 8 स्पीकर इसमें आते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऑटो डिमिंग, IRVM टिकट होल्डर यहाँ देखने को मिलता है, प्लस भाई स्लाइडेबल नहीं है ये। इस साइड देखते हैं तो मिरर आ जाता है, लाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पे रीडिंग लैंप हो गया, LED इसमें दी गई है, सनरूफ भी भाई इसमें प्रोवाइड की गई है, देखने में तो भाई ये काफ़ी छोटी लग रही है, देखो साइज का अंदाजा ले लो आप बस इतनी, तो मेरा जैसा तो इसमें नहीं निकल पाएगा। बाकी ओपनिंग देखेंगे भाई इसकी कितनी है, अगर ये पूरा ओपन हो जाता है एज टू एज फिर तो थोड़े से चांस बनते हैं 60%, बाकी भाई देखेंगे जैसी भी रहेगी। तो बीच में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, दो एयरबैग इसमें आपको देखने को मिलते हैं भाई, सेंटर कंसोल पे आते हैं भाई। तो ये देखो बीच में यहाँ पे फिर से नेक्सोन की बैजिंग है, ग्लोसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ना भाई ये आपको लगेगा, मतलब ये ग्लोसी हो गया, ये थोड़ा सा रफ रफ लगेगा, बाकी यहाँ पे अगर ग्लोसी ट्रीटमेंट दे देते ना ये चीज तो कहीं ना कहीं और सुधार हो जाता भाई, हर कोई नहीं बताएगा ये चीज आपको भाई मैं जो बता रहा हूँ। बाकी सेम ट्रीटमेंट वही गोल्ड कलर में दे दिया, पहले सिल्वर फिनिश में आया करता, अब इसका ग्लव बॉक्स ओपन करना हो तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे आराम से नीचे आ जाएगा। टाटा की सबसे अच्छी बात बार बार बताता हूँ भाई, मैं बताने की चीज़ भाई देखो बताई जाएगी। नीचे आते हैं तो लाइट्स मिल गई, बाकी कूल्ड आई थिंक ये है, यहाँ पे ये जो दे रखा है देखो कूल्ड है भाई। अब आ जाते हैं भाई नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, एक्सप्रेस कूल का भी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, देखो बूट अनलॉक करने के लिए बटन हो गया, लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ बटन हो गया, यहाँ की बजाय। नीचे की तरफ आते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB का ऑप्शन, ऑक्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 6-speed ट्रांसमिशन, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों टाटा प्रोवाइड कर रही है, आप कोई सा जोन सा भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, दोनों में अवेलेबल है। सिटी कोर स्पोर्ट्स मोड ये देख लो भाई यहाँ पे इसमें भी प्रोवाइड करे गए हैं। हैंड ब्रेक की बात करते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, बाकी ये देख लो आप सारा कंसोल, ये हो गया हैंड रेस्ट, तो इसमें स्पेस देखे तो ओके रिपोर्ट है भाई, ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है, कूल्ड नहीं है इसमें ये, तो इसको कर देते हैं बंद। अब इसकी एक बार एडजस्ट करके भाई सीट वगैरह, मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ भाई, इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, ये देखो भाई टाटा मोटर्स ऐसे करके, जैसा मतलब टिगोर में यूनिट आती है सेम मतलब उसी टाइप की इसमें दे रखी है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, तो यहाँ से तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, यहीं से आपको ये कंट्रोल करनी पड़ेंगे ये चीजें, देखो एक भाइयों मारा एप्पल हो गया है गरम,
तो उसको दे दिया है आराम। हाल फिलहाल में इनमें भाई एसी भी नहीं चला सकते ज़्यादा देर, तेल बहुत कम होता है। इग्निशन पे था, मैं इग्निशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो टाटा मोटर, स्पीड वगैरह सारी चीज़ आ गई। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात चल रही थी भाई, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। एवरेज अभी हाल फिलहाल में 8 की दिखा रही है एम्प्टी की, भाई कितना फ्यूल इसमें लेफ्ट है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह। साइड में ओडोमीटर है, उस साइड ट्रिप ए ट्रिप बी ए होगी। तो ये चीज़ें यहाँ से है भाई, यहाँ से टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्यूल का हो गया 8000 तक आरपीएम, पेट्रोल है तो ये चीज़ होगी। स्टेयरिंग का ये चारों तरफ ये जो है ग्लोसी ब्लैक का इस्तेमाल कर रखा है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी भाई आगे से मैंने सारी चीज़ कवर कर ही ली है। इसकी एक बार हाइट एडजस्ट करके विजिबिलिटी की बात करें ना, तो थोड़ा सा भाई जो लोग कहते हैं कि ए पिलर मोटा है, तो थोड़ा सा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है कि भाई घना ही हो, लेकिन है। क्लच की बात करें, ट्रैवल काफ़ी कम है और क्लच लाइट है बिल्कुल। तो हाइट मैंने ठीक ठाक एडजस्ट करी है, ज़्यादा कंफर्टेबल ही नहीं करी है। 6 फीट मेरी हाइट है। तो अब चलते हैं भाई पीछे, गर्मी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, स्टार्ट भी नहीं कर सकते यार। आह भाई साहब क्या हवा लगी है। तो भाई आगे हैं पीछे की तरफ, डोर से शुरुआत करते हैं। गोल्ड कलर का यहाँ इस्तेमाल कर रखा है, ग्लोसी ब्लैक कलर में हैंडल है। और टाटा की ये चीज़ देखो भाई, एक तो ये बिल्कुल थोड़ा सा इतनी उंगली अंदर जाती है, देखो दिख रही है भाई। और प्लस ये देखो, ये जो पैनल है, यहाँ पे फोकस करता हूँ मैं एक बार, ये देखो। तो ये कहीं ना कहीं टाटा को सुधार करना पड़ेगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई और बताता रहूँगा जब तक कि सुधार नहीं होता है। तो पीछे सीट पे बैठते हैं भाई। भाई वाह, कुशनिंग की तो भाई एक नंबर, अंडर थाई सपोर्ट मौज कर रखी है, लेकिन जो बीच में बैठेगा ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा भाई। बाकी जो चार जने जाएंगे, दो पीछे बैठेंगे, एक उस साइड और एक मैं बैठ गया, स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट है भाई। इसकी तो सीट बहुत ज़्यादा, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ एसी वेंट हो गए, यहाँ पे ये ब्लैंक है बिल्कुल, ये देख लो। तो ये चीज़ें हो गई, वेंटिलेटेड सीट आपको आगे ड्राइवर वाली देखने को मिलती है। पैनल देख लो भाई, फ्रंट आप डैशबोर्ड एक बार, तो इस प्रकार का ये डैशबोर्ड लगता है भाई। वाह, नेक्सोन इसमें जेट एडिशन में भाई मैं बैठा हूँ, पहली बार नेक्सोन में बैठा हूँ, तो स्पेस मतलब कंफर्ट तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है भाई, और का पता नहीं, लेकिन जेट एडिशन में सीट्स की जो कुशनिंग है ना भाई वो बहुत अच्छी है। देखो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, देखो भाई क्या कमी रहेगी, मान गए होगे भाई। बाकी आर्म रेस्ट हो गया, हाइट एडजस्टेबल जो है, हेड रेस्ट हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है भाई। गर्मी में हम भी पागल हो रहे, बोला भी नहीं जा रहा भाई अच्छे से। तो अब दिखा देता हूँ भाई मैं आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट, बूट वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये देखो भाई, खोल दिया हमने बूट। 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो चार्ज्ड इंजन है ये, 1200 सीसी एक ऑप्शन आता है, 1500 सीसी का 6 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन आता है। जो भाई 1200 सीसी वाला है वो आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलता है, और जो 1500 सीसी वाला वो 4 सिलेंडर। ऊपर की तरफ देखते हैं, इंसुलेशन के लिए जो है पर्दा दिया गया है, तो ये चीज़ देख लो भाई आप। पावर स्पेसिफिकेशन भाई मैंने आपको जो है बता दी थी, 120 BHP और 170 NM के आसपास टॉर्क जनरेट करता है 1200 CC वाला इंजन, और जो 1500 CC वाला है वो करता है भाई 260 NM का टॉर्क, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाती है भाई। बाकी इंजन कंपार्टमेंट मैंने आपको दिखा दिया, ये देख लो सारी एक बार और। तो भाई ये था आज का अपना रिव्यू, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लस प्लस भाई सनरूफ दिखाना रह गया ना, सनरूफ ओपन करके दिखा देते हैं एक बार, अगर ये हटा रखा हो तो, हटा रखा है भाई। साइज़ की बात कर रहे थे ना भाई, ये देखो साइज़ मतलब रियलिटी में ही छोटा है इसका। बाकी अभी चेक कर लेते हैं एक बार, तो सनरूफ करते हैं ओपन। ये देखो वन टच ओपन हो जाते हैं भाई, जैसा मैंने सोचा था कि भाई H2H चला गया पीछे तो निकल सकते हैं, और चला ही गया भाई, निकल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ होगी भाई सनरूफ, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर मतलब ठीक ठाक है भाई, चलो देरी है वो ही बहुत है। बाकी इस हिसाब की गाड़ी, इस साइज़ की गाड़ी में इतनी चीज़ बहुत होती है भाई।
तो भाई ये था आज का अपना रिव्यू टाटा नेक्सॉन जेट एडिशन का। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।